Hello dear students. Welcome to BRAMS School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. आज हम कर रहे हैं क्लास 10 एसएसटी जीएसईबी बोर्ड से चैप्टर नंबर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट 7. बच्चों पार्ट 1 to 6 वीडियो में हमने जाना था कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के कारण क्या है, गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स बनाए हैं कि जिससे पॉवर्टी दूर की जा सके. बीपीएल के बारे में जाना था हमने, पॉवर्टी के बारे में जाना था कि पॉवर्टी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी. पॉवर्टी इंडिया में कितनी है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया, अब कितने लोग पुअर होने से कम हुए हैं, रूरल पुअर कैसे होते हैं, अर्बन पुअर कैसे होते हैं. हमने पाप के बारे में जाना था, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम ये कर चुके थे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान, ये सारी चीज़ें. आज की इस वीडियो में, पार्ट टू वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ग्रामोदय टू भारत उदय स्कीम से हम शुरू करने वाले थे कि और कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है पॉवर्टी को दूर करने के. तो देखो, थ्रू सच प्रोग्राम्स फार्मर ओरिएंटेड प्लान्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट लॉस फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यू टू वाइल्ड एनिमल्स डैमेजिंग द क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक हेल्प टू बिल्ड फेंसिंग टू प्रोटेक्ट देम. प्रोटेक्ट देम नहीं, यहाँ पे प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स आएगा. Production of grass for cattle at the time of for crisis or drought and to help to construct cattle shelter for rain, forecasting and discovering mineral rich regions through ultra modern satellite or drone technique. तो बच्चों ग्रामोदय का मतलब होता है कि जो भी गांव वगैरह होते हैं उनको राइज करवाना, उनका उदय करवाना, ताकि क्या हो, जो लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले. जो पहले वाइल्ड एनिमल्स खेतों में घुस जाते थे, उसके कारण सारी फसल बर्बाद हो जाती थी, तो फेंसिंग के लिए पैसे देना, शेल्टर देना कैटल्स के लिए, फॉरकास्ट करने के लिए सैटेलाइट लगाना कि भाई बारिश आएगी नहीं आएगी, और ज़मीन के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं क्या, तो इस तरीके की चीज़ों का सर्वे करना. प्रोविजन इज टू मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे. दे गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग टू प्रोड्यूस ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर. हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक. इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. कंप्यूटराइजेशन इन एग्रीकल्चर. फाइनेंस सोसाइटी सेटअप न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन पल्सेस स्पाइसेस. मैनेजमेंट टू सी दैट फार्मर्स गेट अ सूटेबल प्राइजेस प्राइज. मेकिंग पॉन्ड्स deep by removing soil from them, increasing drops and size, construction of farm pond, cleaning the canals and reservoirs for water storage and increasing their length, resettlement of water tank and repairing of check dams and increasing water storage capacity etc. तो इतनी सारी चीजें हमने जो देखी बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अगर किसी को लोन चाहिए, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, बीज खरीदने है, तो उनको सब्सिडी देती है ताकि कम पैसे पे वो बेचारे गरीब ये चीज़ों को खरीद सके. गरीबों को ही अपॉर्चुनिटी देती है कि वो चेक डैम्स बनाए, वो कैनाल्स बनाए, वाटर को स्टोरेज करे, और बदले में उनको पैसे भी देती है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले. एम्प्लॉयमेंट ना मिलने का कारण ही सबसे बड़ी है बच्चों गरीबी का. तो द सेंट्रल एज वेल एज State governments have tried to save farmers from debt by helping them through this scheme. तो central government और state government मदद कर रही है किसानों की कि उनका जो कर्ज है वो कम हो जाए. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. तो बच्चों ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे
क्योंकि ये अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप आगे जाके क्लास 1-2 ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी. This plan is an effort to supply electricity to the rural areas without any hindrance. तो इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ज्योति का मतलब होता है लाइट, तो इस वाले स्कीम से, इस वाले प्रोग्राम से गाँव में बिजली पहुँचे, ये कार्य कर रही है सरकार 24/7 यानी हफ्ते में सातों दिन, डे एंड नाइट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम्स एंड फार्म्स एट कंसेशनल रेट्स. Lay down new lines to take electricity facility for 18,000 villages which do not have electricity. Setting up new electricity substations and helping farmers by providing subsidy to purchase equipment for agricultural sectors so that poor farmers may get a support to increase income. Subsidy is also provided for obtaining electricity through solar energy and to purchase solar technical equipments. Government 18,000 villages में जहाँ electricity नहीं थी वहाँ electricity पहुँचा रही है और farmers को subsidy दे रही है, मतलब कम पैसे में concessional rates पे उनको equipments दे रही है कि भाई वो solar energy का use कर सकें, वो technology में भी काम कर सकें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, इसका ध्यान रख रही है. अब देखो सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज. तो वन बंधु यानी जो वन के अंदर, जंगलों के अंदर रहने वाले हमारे भाई हैं, सा आदिवासी वुमन आर प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर लाइव स्टॉक रियरिंग अंडर कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रीपर शॉप्स, क्रीपर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग पवेलियंस जिसे पंडाल कहा जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा. समरस होटल्स एंड स्मार्ट आश्रम्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश. तो आदिवासी जो लेडीज होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई वो पंडाल्स बना सके, जो बेल होती है उनको उगा सके, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की, पैकेजिंग की, ये सारी चीजें उनको सिखाई जा रही हैं. डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.